बीजेपी का बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर पलटवार। जी हाँ, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते, ये राकेश सिन्हा की तरफ से कहा गया है। मायावती के पीछे ईडी लगी है, संपत्ति की जांच चल रही है। गोरखनाथ पीठ सांस्कृतिक सामाजिक आध्यात्मिक जगह है, ये भी राकेश सिन्हा कहते हुए नजर आए। मायावती के राज्य में दलितों के नाम पर लूट हुई है, जनता के बीच मायावती की विश्वसनीयता शून्य है, ये भी राकेश सिन्हा कहते हुए नजर आए और बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर पलटवार करते हुए नजर आए। बीएसपी मायावती ने योगी आदित्यनाथ और जो मठ है उसको लेकर तमाम बातें कही हैं। हमारे साथ राकेश सिन्हा जी हैं। सर, मायावती वैसे तो अभी तक चुनाव प्रचार में कहीं नजर नहीं आई, लेकिन उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि गोरखपुर जो धाम है, गोरख धाम है, वो किसी बंगले से कम नहीं है, ऐसा मायावती ने ट्वीट कर कहा है। जो लोग शीशे के घर में रहते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते हैं। मायावती जी को मालूम होगा कि उन पर डिसप्रोपोर्शनेट प्रॉपर्टी का केस है, ईडी उनके पीछे जांच कर रही है। जिस प्रकार से उन्होंने अपने शासन काल में दलितों और हाशिए के लोगों के नाम पर लूटपाट मचाया है, वह उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता को मालूम है। जहां तक गोरखनाथ पीठ की बात है, यह एक सार्वजनिक स्थान है, यह एक आध्यात्मिक स्थान है। मायावती जी से मैं आग्रह करता हूं कि गोरखपीठ में जाएं और देखें आध्यात्मिकता कितनी है, सामाजिक सांस्कृतिक सरोकार कितना है। और मुझे लगता है कि अनर्गल आरोप लगाने से राजनेताओं की विश्वसनीयता कम होती है और मायावती जी की विश्वसनीयता मूलतः शून्य पर है।